नदी में पानी छोड़े जाने से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। आसपास के इलाकों में मुनादी करा दी गई है, वह स्कूलों की छुट्टी भी करा दी गई है। आगरा की चंबल नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोटा बैराज से 12 लाख स्क्वायर फुट पानी छोड़ा गया है। जिले में बाढ़ स्कीम योजनाएं लागू कर दी हैं। बताते चलें कि चंबल नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए यह स्कीम लागू की गई है। 20 गांव के सभी स्कूलों को भी बंद करवा दिया गया है। साथ ही बाढ़ से संबंधित सभी विभागों को भी अलर्ट जारी किया जा चुका है। इस पूरे मामले में डीएम प्रभु एन सिंह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिनाहट ब्लॉक का यह पूरा मामला है। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24। चंबल नदी का जल स्तर बढ़ रहा है और जो राजस्थान के कोटा साइड से जो पानी छोड़ा गया है उसके क्रम में कल डेंजर लेवल के पार आने की उम्मीद है। अलर्ट जारी कर दिया गया है, खासकर बाह और पिनहट एरिया में सतत निगरानी रखी जा रही है। अलग से 5 स्टीमर्स लगा करके वहाँ पे और जो बॉर्डर के गांव है उसमें बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। अलर्ट है, हमारे जो SDM है वहाँ पे, CEOs हैं, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम और पशु चिकित्सा अधिकारी की टीम वहाँ कैंप कर दी गई है। राहत और बचाव कार्य अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हम लोगों ने अपनी व्यवस्था कर ली है। राहत कार्यालय से हमें धनराशि आती है, उसको SDM को ट्रांसफ़र कर दिया गया है और जितने प्रधान हैं वहाँ पर उनको भी बताया गया है कि अपने गाँव में एक नादी करा लें और सतत निगरानी रखी जा रही है। बिजनौर